Hi everyone, Namaskar. This is Dr. Amit Kaur Puri, founder and president of AKP Healing India. तो आज का जो टॉपिक है वो सभी के लिए है और वो है कि हम फैट लॉस कैसे करें। तो सबसे पहले अगर आप देखिए आपका वेट कितना है, चेक करिए आपका वेट कितना है और अपना एक गोल सेट करिए। तो ये जो वेट लॉस जर्नी है मैं भी आपके साथ करूंगी फॉलो। आज मैंने भी अपना वेट चेक करके अपनी डायरी में नोट कर लिया है और ये एक महीने तक हमें ये फैट लॉस की जर्नी करनी है। तो आप या आपके फैमिली मेंबर्स या आपके ही पहचान के कोई भी हैं जिनको वेट लॉस करना है उनसे कहिएगा, या आप खुद अपना वेट मेजर कर लीजिए और एक डायरी में लिख लीजिएगा। और ये वेट लॉस के लिए हम लोग करेंगे, एक महीने बाद फिर हम देखेंगे कि हमने कितना फैट लूज किया। और ये वर्क करता है, जो मैं आज आपको बता रही हूँ वो वर्क करता है और आप इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि हम आज वेट लॉस कर रहे हैं सुपर वेट लॉस विद सुपर फूड्स। अब ये सुपर फूड क्या है? नहीं, ये कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आपको मंगवाना पड़ेगा। इंडिया में ही हमारे पास बहुत सारे सुपर फूड्स हैं जो कि हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देते हैं, है ना। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है, BMR जब हमारा इंक्रीज होता है, तो हमारे अंदर जो पाचन शक्ति को वो स्ट्रॉन्ग करता है। इट इंक्रीजेज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करता है, हमारे अंदर के एंजाइम्स और हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, और जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करने वाली हूँ कि जब भी हम वेट लॉस के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। मैं आज डाइट प्लान भी आपको बताऊंगी और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप करेंगे तो आपका शर्तिया वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा। वो ये है कि आपको सुबह उठ के पानी पीना है। हाइड्रेशन बहुत बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कई लोगों को सुना होगा कि पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है, पर कितना पानी पीना है ये हमें पता होना चाहिए। तो 1 kg वेट के लिए हमें 50 ml वाटर चाहिए होता है, समझे। तो अब जैसे अगर किसी का वेट 70 kg है, 70 किलो अगर किसी का वजन है, तो 5 × 7 कर देंगे तो 35 आएगा, मतलब 3.5 लीटर पानी। 70 kg जो इंसान है उसको 3.5 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका बॉडी वेट कितना है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके उतने लीटर्स आपको पानी पीना है, राइट। तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते, मैं किसी 55 kg के पर्सन को नहीं बोल सकती कि 3.5 लीटर पानी पीजिए, या किसी 90 kg के पर्सन को नहीं बोल सकती कि 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। ही और शी हैज टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। जितना बॉडी वेट है उतना × 50 ml से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और आप लीटर्स में कन्वर्ट करके उतना पानी पीना है। जैसे मैंने बताया 70 kg वाले के लिए 3.5 liters पानी सफिशियंट है। और पानी क्या करता है? पानी जो होता है वो टॉक्सिन्स को रिमूव करता है हमारी बॉडी से। हमारी बॉडी में हम जो भी खाते हैं ना, एसिडिक फूड होता है तो फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं, टॉक्सिन्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो उन टॉक्सिन्स को हमें शरीर से बाहर फेंकना है, और ये बाहर फेंकने का काम वाटर करता है, पानी करता है। तो यू शुड स्टार्ट योर डे बाय कंजम्पशन ऑफ वाटर। जब भी आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले आप रूम टेम्परेचर पे, ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा, रूम टेम्परेचर पे पानी पी लीजिएगा, 1.5 से 2 glass पानी पी लीजिएगा। और ये इससे क्या होगा कि आपका जो फ्लशिंग है, जो अंदर टॉक्सिन्स हैं, वो सब डिसॉल्व हो जाएंगे और आप उसके बाद अपने फ्रेश होने के लिए चले जाइए। उसके बाद आपको मॉर्निंग ड्रिंक लेना है जो कि आपकी जो फैट डिपॉजिट्स हो गए हैं, टॉक्सिन्स हो गए हैं, उनको रिमूव करता है। वो मॉर्निंग ड्रिंक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे 3 options दूंगी आपको मॉर्निंग ड्रिंक के लिए, तो जो भी आपके पास अवेलेबल होगा उस तरीके से आप मॉर्निंग ड्रिंक अपनी कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहला देखिए, ये जो है बेसिल सीड्स हैं, मैं आपको बेसिल सीड्स बताती हूँ। बेसिल सीड्स क्या होते हैं? बेसिल सीड्स मतलब सब्जा के बीज, ये बेसिल सीड्स हैं। दीज बेसिल सीड्स आर वेरी रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ कि वी आर लूजिंग फैट, हम लोग फैट लॉस कर रहे हैं बट एनर्जी लॉस नहीं कर रहे,
आई डोंट वॉन्ट दैट योर एनर्जी, ये नहीं कि आपने फैट लॉस कर लिया उसके बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई और कुछ करने के लायक ही नहीं है, चक्कर खा खा के गिर रहे हैं। तो हमें वैसा वाला तो फैट लॉस नहीं करना है, तो इसके लिए ऐसे हम फूड्स लेंगे, ऐसे सुपर फूड्स लेंगे कि आपकी एनर्जी इंटैक्ट रहेगी, एनर्जी आपकी बनी रहेगी, लेकिन आपका फैट लॉस होगा। तो दीज आर द बेसिल सीड्स, सब्जा, इसको हिंदी में सब्जा सीड्स भी बोलते हैं, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो हमें क्या करना है, आपको एक ग्लास पानी लेना है, इस तरीके से साफ पानी ले लीजिएगा और उसमें आप ये बेसिल सीड्स को ऐड कर दीजिएगा। मैंने एक टीस्पून के बराबर यहाँ इसमें बेसिल सीड्स ऐड कर दी है, ये देखिए। तो ये जो है बेसिल सीड्स, एक नॉर्मल वाटर हमने लिया है और इसमें मैंने बेसिल सीड्स को दो छोटे चम्मच या एक बड़ा चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये बेसिल सीड जो होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और 10 मिनट बाद मैं आपको ये वाटर दिखाऊंगी, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो बेसिल सीड्स हैं वो स्वेल हो गए, उसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है। अब बेसिल सीड्स में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब इस वाटर में आप चाहें तो आंधा नींबू है, लेकिन किसी को, जैसे मुझे नींबू सुबह अगर मैं पीती तो मेरा गला खराब हो जाता है, तो अगर आपको नींबू सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह पे, नींबू की जगह पे अदरक ले लीजिएगा, 1 इंच अदरक को घिस लीजिएगा और उसका रस, अदरक का आधा चम्मच रस इसमें डाल दीजिएगा। और उसके बाद अगर ये वाटर आप कंज्यूम करते हैं तो इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ साथ ये आपके बॉडी का जितना भी टॉक्सिन होता है, जो आपके अंदर गंदगी इकट्ठी हो गई है, उसको मैग्नेट की तरह पूरा एब्जॉर्ब करता है और आपकी बॉडी से बाहर फेंक देता है। उसके साथ साथ आपको पूरे दिन हाइड्रेटेड महसूस होगा, पूरे दिन एनर्जाइज महसूस होगा। यहाँ पे मैंने कहा, ये भी बताना चाहती हूँ कि किसी भी तरह का हेल्थ इश्यू है, जैसे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है आपको, या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बनता है उसका कोई भी प्रॉब्लम है, तो भी ये बेसिल सीड्स मैं सजेस्ट करती हूँ। कमजोरी है, कोविड की रिकवरी के बाद काफी लोग को बहुत कमजोरी भी हो गई है, तो उस टाइम भी ये आप बेसिल सीड्स के जो वाटर है, not only to reduce your weight but also to regain your energy, this water is a magical water, it's a wonderful thing to consume it। थोड़ी देर के बाद फिर से मैं आपको बताऊंगी कि ये basil seeds के जो water है कैसा दिखता है, ठीक है। तो you should start your morning with consumption of 1.5 to 2 liters of normal water at room temperature, then you should have this basil seeds water, wherein you can add lemon juice or you can also add ginger juice। अब बच्चों को कई बार नहीं पसंद आता है लेमन और जिंजर का स्वाद, और आप देखेंगे कि टीन एजर्स में भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उनके लिए आप कोकोनट वाटर लीजिएगा, फ्रेश कोकोनट वाटर जो होता है, नारियल का पानी, उसमें आप बेसिल सीड्स ऐड कर दीजिएगा और वो बच्चों को दीजिएगा। बच्चे रोज आपके, बिलीव मी, रोज आपके पास आएंगे और मांगेंगे कि मम्मी हमें कोकोनट वाटर, सब्जा सीड्स वाला मैजिकल वाटर दे दो, और उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहला जो मैंने ड्रिंक आपको बताया है ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको बेसिल सीड्स नहीं मिलते हैं, कई बार होता है कि बेसिल सीड्स हमें नहीं मिलते हैं और लोग बोलते हैं कि बेसिल सीड्स में और चिया सीड्स में क्या फर्क है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि चिया सीड्स भी बेसिल सीड्स जैसे ही होते हैं दिखने में, लेकिन बेसिल सीड पूरी तरह से काले थे, लेकिन देखिए चिया सीड्स जो है थोड़े थोड़े इसमें व्हाइट और ब्राउन कलर के चिया सीड्स हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में इजी होगा। बेसिल सीड्स काले रंग के आपको दिखाई थी मैंने, और ये देखिए इसमें ये बेसिल सीड्स हैं जबकि मेरे हाथ में चिया सीड्स हैं, दोनों में फर्क देख लीजिए, ठीक है। तो बेसिल सीड्स भी आप यूज कर सकते हैं और चिया सीड्स को भी आप यूज कर सकते हैं। चिया सीड्स को लेकिन वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए आधा घंटा लगता है अप्रोक्सीमेटली, और बेसिल सीड्स को सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द मॉर्निंग ड्रिंक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट कि हमारा ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आप, जैसे कई लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी हैवी, देन लंच एंड देन डिनर, है ना। लेकिन मेरा पर्सनल, मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बोलती हूँ
मेरे हिसाब से लंच शुड बी हैवी, ब्रेकफास्ट और डिनर थोड़ा लाइट हो तो बेहतर है। ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, या नहीं तो आप एक बोल अच्छे से खूब बड़ा सा बोल बना लीजिएगा, सैलेड का बोल आप वो खा सकते हैं, बिकॉज दीज आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही हाई क्वालिटी में होता है। या नहीं तो अगर आपको, जैसे कई बार हम लोग होता है, नहीं हमें तो पराठे खाने की आदत है, हमें तो सुबह रोटी खाने की आदत है, तो हम क्या करें, ऐसे लोग के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ओट्स का आटा ले लीजिएगा। ओट्स के आटे में थोड़ा सा बेसन मिला लीजिएगा और उसमें जो लौकी होती है उसको घिस के उसमें आटा गून लीजिएगा। इसमें सेंधा नमक यूज कर सकते हैं आप। आटा गून के उसके जो है आप स्टफ पराठे टाइप के, रोटी टाइप के बनाइएगा, उसमें तेल मत लगाइएगा ज्यादा, पहले उसको सेक लीजिएगा और सेकने के बाद जब नीचे उतारते हैं उसमें आधा टीस्पून देसी घी यूज करिएगा। ठीक है, देसी घी कभी भी फ्लेम के ऊपर यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपको कोई लाभ नहीं देता। तो जब भी आप पराठा बनाते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आप डैश ऑफ फैट यूज करें, मतलब घी यूज करें, तो आफ्टर कुकिंग नीचे आप प्लेट में लेने के बाद उसके ऊपर आप हल्का सा घी लगा लीजिएगा, हाफ टी स्पून यू कैन टेक। तो ये आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, नहीं तो एक आप फ्रूट, एक खूब बड़ा सा प्लेट भर के आप वाटरमेलन का खा लीजिएगा। अच्छा ये देखिए वाटरमेलन कितना रिफ्रेशिंग, देख के ही ऐसा लगता है कि खाना चाहिए, राइट? तो कितना रिफ्रेशिंग है। तो आप एक प्लेट भर के वाटरमेलन खाइएगा, इसके ऊपर आप थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ये डाल दीजिएगा वाटरमेलन को, खूब प्लेट भर के खाइएगा। ये आपको एक तरीके से आपका पेट इसमें भर जाएगा। डायबिटीज जिनको है उनको ये लगता है कि हम कौन सा फ्रूट खाएं, क्योंकि उनको तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन डायबिटिक के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि आप भी वाटरमेलन, मस्कमेलन, एप्पल, सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं, जैसे कि स्वीट लाइम, ऑरेंजेस, ये सारे ले सकते हैं। और आपके लिए तो ये वाला फ्रूट जो है वो रामबाण है। कौन सा फ्रूट है ये? बहुत ही कम रेट में हमें इजीली अवेलेबल होता है ये फ्रूट ऑल ओवर इंडिया। तो ये कौन सा फ्रूट है? गर्मियों में तो बहुत सारा आता है, और अगर आप ये फ्रूट को खाते हैं, ये जामुन है, तो अगर हम ये जामुन को खाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा इंसुलिन जो है उसका सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जिसके कि हमारा वेट लॉस, फैट लॉस बहुत ही इजीली होता है। तो ये इसमें तो ऐसा गुण है कि इसमें फ्रूट तो आप खाएंगे ही, इसके बाद जो इसके सीड्स बचते हैं वो भी बहुत हेल्पफुल हैं। तो इसके सीड्स को आप सुखा लीजिएगा, इसको पहले खाने के बाद सीड को फेंकिएगा मत, इसके सीड्स को आप सुखा लीजिएगा, सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लीजिएगा। और अगर जामुन के सीड्स का पाउडर डायबिटीज जिनको है वो लोग खाते हैं तो उनकी डायबिटीज भी मैनेज होनी शुरू हो जाती है, राइट? तो दिस इज वेरी गुड फ्रूट टू हैव इन ब्रेकफास्ट। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड कर लीजिएगा। कई बार मैं एक आपको बहुत अच्छी सी रेसिपी भी बताती हूँ कि सैलेड्स आप यूज कर सकते हैं। बीच बीच में से भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, जाके बिस्किट ले लेते हैं, हम नमकीन खा लेते हैं जब भी हमारे को भूख लगती है। तो वी शुड हैव द न्यूट्रिशियस स्नैकिंग। स्नैकिंग अगर करनी है, आपको स्नैक्स खाने हैं, तो न्यूट्रिशनली इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज़ें खाइएगा स्नैक्स में। वो कैसे कि सैलेड बना के आप फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा ठंडा और क्रंची सैलेड अगर आप खाते हैं तो आपके पेट भी वो भरेगा, आपको भूख भी कम लगेगी, ज़्यादा देर तक आप पेट भरा भरा लगेगा और आप गलत चीज़ नहीं खाएंगे जिससे कि आपका फैट बढ़े। तो ये एक बहुत अच्छा सा मैंने यहाँ पे सैलेड बना के रखा हुआ है। ये इसमें बहुत ही सारे रॉ वेजिटेबल्स हमने यूज किए हैं। इसमें मैंने क्यूकम्बर यूज किया है, डाइस कर लिया है क्यूकम्बर को, टमाटो यूज किया है, थोड़ा सा कैबेज यूज किया है और कैरेट यूज किया है। एक कैरेट, एक क्यूकम्बर, एक टमाटो, थोड़ा सा कैबेज को डाइस ऐसे घिस लिया है, ग्रेट कर लिया है, और इसमें मैंने पुदीना डाला है, धनिया डाला है कट करके बारीक, और सेंधा नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, थोड़ी सी जीरा पाउडर डाला है, इसमें क्यूमिन पाउडर डाला है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये
जो मैंने स्पाइसेस के नाम लिए हैं ये भी आपके एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होते हैं, इसमें पॉलीफिनॉल्स कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, उसके साथ साथ आपका वेजिटेबल इतना फ्रेश वेजिटेबल है। ये अगर आप ये वाला सैलड बोल मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ, और जब भी मुझे आजकल भूख लगती है तो बस इसमें से एक बोल ऐसे स्कूप निकालती हूँ और उसको खाया। इसको आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा एनर्जाइज इम्यूनिटी बूस्टर टाइप का बना सकते हैं। कैसे? अब इसको इम्यूनिटी बूस्टर कैसे बनाएंगे, इसमें मैं कुछ सीड्स ऐड करूँगी। अब ये देखिए, ये हमारा सैलेड का बोल है, इसमें मैंने ये देखिए ये वाटरमेलन के सीड्स हैं। जैसे आपको पता है मैं वाटरमेलन के मस्क मेलन के सीड्स जो हैं अपने पास सुखा के रख लेती हूँ। ये पम्पकिन के सीड्स हैं, देखिए पम्पकिन के सीड्स हैं, पेठा, ठीक है ना। पम्पकिन के सीड्स में मैग्नीज बहुत सारा होता है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, मूड स्विंग्स होते हैं बहुत सारे, मेनोपॉज का प्रॉब्लम है, या जो गर्ल्स हैं पीरियड्स के टाइम उनको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ये पम्पकिन का सीड्स है, तो मैंने इसमें पम्पकिन के सीड्स स्प्रिंकल कर दिए, और इसमें मैंने मस्क मेलन का जो सीड था, वाटरमेलन का सीड जो है वो स्प्रिंकल कर दिया। और उसके बाद दिस इज रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फैट बर्नर। आप इसको फैट बर्नर डिश का नाम दे सकते हैं, जब भी भूख लगे आप ये कंज्यूम कर सकते हैं और आपको बहुत फायदा होगा। ये शर्दिया है, इसके ऊपर आप माइक्रो ग्रीन्स भी डाल सकते हैं। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था, देखिए ये माइक्रो ग्रीन्स कितने सुंदर मेरे ग्रो हो गए हैं। खाना कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया जो कि फैट को निकाल के ऐसे खींच के एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी से दूर करेगा वो है एश गॉर्ड। एश गॉर्ड मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ क्योंकि पिछली बार मुझसे कई लोग पूछ रहे थे कि एश गॉर्ड क्या होता है, सफेद कद्दू क्या होता है, तो इसीलिए मैंने आज ये एश गॉर्ड मंगवाया। और ये देखिए ये एश गॉर्ड है, दिस इज ऑर्गेनिकली ग्रोन। और एश गॉर्ड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके फैट लॉस की जर्नी में। ये आपका फ्रेंड है, इट इज़ द बेस्ट फ्रेंड इफ़ यू वॉन्ट टू लूज वेट, ठीक है ना। तो एश गॉर्ड को आप इसका छिलका निकाल दीजिएगा, अंदर से वाइट कलर का होता है, और इसकी सब्जी आप बनाइएगा कम तेल में। इसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा जीरा और मेथी डाल के इसकी सब्जी बनाइएगा, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो ये मैंने आपको बताया कि सब्जियां आपको लंच में कौन सी सब्जी कंज्यूम करनी। थैंक यू सो मच एंड लूज योर फैट। थैंक्स अ लॉट।